इंडिया में 827 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया गया है। कई बार सरकार ने, कई बार हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने भी कई सारे पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया है। इसके नुकसान भी कई सारे होते हैं, बट किसी और वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। अगर आप एक पेरेंट हो, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये सब चीज़ देखें, या आप इस चीज़ के एडिक्टेड हो, या फिर आप पॉर्न के एडिक्टेड हो और उसे छोड़ना चाहते हो, तो आपको इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो ये है इस ऐप का नाम ब्लॉकर हीरो, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। और फर्स्ट टाइम ओपन करने से आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सभी परमिशन इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद आपको टर्न ऑन, हर मोबाइल में थोड़ा अलग अलग सेटिंग होता है, तो आपको अपने मोबाइल में एक ही बार इसको बस सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप रेडी टू गो हो। तो जो फर्स्ट टाइम सेटिंग होता है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जाके हमें यहाँ एक्सेसिबिलिटी का भी हमें ऑप्शन इसे देना पड़ेगा, तभी ये ऐप बैकग्राउंड में चल पाएगा। तो ऐसे हम इसे ऑन कर देंगे, फिर बैक एक बार फिर से, क्योंकि मेरे मोबाइल में मैंने एक बार इसे सेटिंग कर लिया। ऑल दो मेरा मोबाइल शाओमी का है, तो ऐसे एक ऑप्शन आना चाहिए। और अगर आपका कोई दूसरा ब्रांड का मोबाइल है, तो आपको एक बार बस सेटिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। अब लॉगिन का ऑप्शन मुझे इसमें मांग रहा है, तो यहाँ मैं अपने किसी भी ईमेल आईडी से मैं लॉगिन कर लूँगा। और ये बता रहा, और ये ओपनिंग में बता रहा है ये इतने सारे ब्राउज़र पे वर्क करता है। ये क्यों, इसका फ़ायदा मैं आपको आगे बताऊँगा। और तो ये प्रीमियम है, मतलब इसमें पैसे देने पड़ते हैं, बट फ्री में ही आपका काम हो जाएगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये पॉर्न ब्लॉकर के साथ आप इसे टाइम मैनेजमेंट के टूल की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले जो बेसिक ऑप्शंस है जो अनलॉक, मैं उसके बात कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहला है अडल्ट कॉन्टेंट। तो सपोज मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड। इस इनकॉग्निटो मोड में कोई भी हिस्ट्री नहीं होता, तो पेरेंट्स इससे ट्रैक नहीं कर पाते हैं, राइट? या फिर खुद आपको नहीं दिखाना है किसी को कोई चीज़, तो इनकॉग्निटो मोड में जाके लोग सर्च करते हैं। तो मैं ये एक ऑप्शन देखें, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है। मैंने पॉन लिख के सर्च किया था, और इसमें रीज़न भी बताएगा, क्योंकि ये एक कीवर्ड, बैड कीवर्ड डिटेक्टेड पॉन, राइट? तो इससे आप इन सब वेबसाइट्स में नहीं जा पाओगे, आप ओपन ही नहीं कर पाओगे। बट कई जो बच्चे होते हैं, या फिर आप जैसे शराब भी पीते हो, सिगरेट भी पीते हो, तो तुरंत उसका हैबिट नहीं छूट पाता, तो आप फिर से क्रेव करने लगते हो कि मुझे फिर से देखना है। तो आप हो सकता है अनइंस्टॉल करने की कोशिश करो इस ऐप को, या फिर कोई बच्चे भी बहुत बदमाश होते हैं कि इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, और फिर घर पहुंचते ही फिर से इंस्टॉल कर दिया जब पेरेंट मोबाइल देखने लगे। तो ये और एक ऑप्शन आता है इसमें, अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन, एक यहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे आपको ऑन कर देना है, और ब्लॉक अनसपोर्टेड ब्राउज़र, राइट, इसे भी ऑन कर देना है। पहला से कोई भी बच्चा, या फिर आप डिलीट ही नहीं कर पाओगे इसको। सेकेंड, कि इससे हो सकता है आप क्रोम छोड़ के किसी और ब्राउज़र में डाउनलोड कर लो, और उसमें से ये सब चीज़ सर्च करने लगो, तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा। यूट्यूब में भी ये, आप किसी भी ऐप में चले जाओ और आप ऐसे ओपन करने लगोगे पॉर्न या फिर ऐसे अडल्ट कंटेंट, तो आपको वो नहीं मिलेगा। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इमेज या फिर वीडियो आप सर्च करोगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इंस्टाग्राम या फिर FB रील्स आप नहीं देख सकते अगर इसे ऑन कर दिए तो। इंस्टाग्राम में आप सर्च नहीं कर सकते, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देख सकते, टेलीग्राम में भी आप सर्च नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये एक अच्छा ऐप है अगर आप चलाना चाहते हो तो, अगर आप अपने हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हो तो। और एक और ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो यहाँ मैंने गलती से अपने ही डाल दिए। और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, आप किसी फ्रेंड को डाल सकते हो, अपने गार्डियन को डाल सकते हो। और ये रिमूव करना भी इसमें बहुत मुश्किल है, कि आप सोचो कि मैं इस परमिशन को रिमूव कर दूँ, तो मुझे
इतना सारा वर्ड लिखना पड़ेगा इसी और इसी तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा और ज़रा सा भी गलती हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे बंद करना भी मुश्किल है क्योंकि अगर मैं सपोज़ मैं इसे बंद करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑप्शन को, तो ये बंद ही नहीं होगा जब तक मुझे पूरा ये एक पैराग्राफ मुझे लिखना पड़ेगा। और कौन इतना झंझट करे, और इसमें कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन नहीं होता, तो इतना मुझे लिखना पड़ेगा, इस वे में लिखना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक हेडेक हो जाएगा बार बार इसे चालू करना बंद करना। तो ऑल दो देखा जाए आप यहाँ से ऐप्स वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हो और ये सेटिंग है। सो दैट्स प्रीटी मच इट, ये एक अच्छा वेबसाइट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।